Next, now, what is the output of given example? In this case, simply array declaration plot given with 5 elements. In this case, mein, elements ka type kya? Just integer type. To integer types ke liye just array create hua with 5 elements. Initialization perform kiya hai. First element is initialized by 1, 2, 3, 4, 5. Base address ka array ka 100. The next element ka address ka 102, 104 and so on. Finally, elements name A0, A1, A2, A3, A4. Second case mein just create your variable declaration as I in next case. Second case mein kya hai? Declaration of I with initial value of I is 1. Then important case kya hai? Given expression is expression mein just perform kya ho raha hai? Increment decrement operations. Aur increment decrement operations ke case mein, is case mein apply kya kara hua hai? Assignment rule aur initialization rule. जस्ट मैं ये ऑपरेशन डिस्कस कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू टर्बोसी 3.0 कंपाइलर्स, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशंस का बिहेवियर कैसा है, कंपाइलर डिपेंडेंट. किसी भी कंपाइलर के थ्रू टू रूल्स फॉलो होंगे, आइदर इनिशियलाइजेशन रूल और असाइनमेंट रूल और बोथ. इस केस में आपको अप्लाई क्या करना है, असाइनमेंट रूल. तो असाइनमेंट रूल के अकॉर्डिंग जस्ट परफॉर्म क्या होता है, परफॉर्मिंग ऑल प्री ऑपरेशंस. अगर आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है, आपको सबसे पहले वॉच करना चाहिए ऑपरेटर्स, देन इस सेशन को आपके लिए कंटिन्यू करना पॉसिबल है. सबसे पहले परफॉर्म किया था ऑल प्री देन असाइनमेंट देन ऑल पोस्ट ऑपरेशन. तो इस केस में सबसे पहले चेक आउट क्या करेंगे, ऑल प्री. टोटल नंबर ऑफ प्री ऑपरेशंस कितने हैं, 2 1 2. तो दोनों ही प्री इंक्रीमेंट एक साथ परफॉर्म करा, उसमें इंक्रीमेंट में फर्स्ट इंक्रीमेंट होगा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2. सेकंड इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट 3. तो आई का करंट वैल्यू क्या, 3. देन इंक्रीमेंट होने के बाद परफॉर्म क्या हुआ, असाइनमेंट. तो असाइनमेंट के रिस्पेक्ट में जहाँ जहाँ आपने आई यूज किया है, आई के प्लेसेस पर आई का करेंट ऑक्रेंस किससे रिप्लेस कराओगे, करेंट वैल्यू 3. अगेन इस प्लेस पर भी जस्ट रिप्लेस क्या हुआ, आई का वैल्यू ऑल्सो 3. देन ये 3 जस्ट किस प्लेस पर असाइन हुआ, ए ऑफ 3 के अंदर. ए ऑफ 3 में एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, 4. नाउ न्यू वैल्यू इज इनिशियलाइज्ड एज 3. क्लियर, इज द एलिमेंट ऑफ एरे आफ्टर दैट ऑपरेशन. देन क्लोजिंग प्रिंट एप के थ्रू डिस्प्ले क्या करा है, वैल्यू ऑफ ए जीरो. ए जीरो में क्या फाउंड हो रहा है, 1. वैल्यू ऑफ ए वन. ए वन में क्या फाउंड हो रहा है, 2. वैल्यू ऑफ ए टू क्या फाउंड हो रहा है, जस्ट 3. देन अगेन 3, देन 5. फाइनल इस केस में आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट ऑफ दिस कोड इज 1 2 3 3 5.